नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत है। देखिए मित्रों, हमने यह बोया का माइक लिया हुआ था और मैंने एक ट्रिमर भी लिया हुआ था। दरअसल यह आपका वेबकैम है, तो वेबकैम में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह आपका मैंने बोया का माइक लिया हुआ था और कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रिमर लिया हुआ था। तो मित्रों, मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहता हूँ जो फिलहाल बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, 99% लोगों को पता नहीं है। लोग अनजान रहते हैं, जानकारी नहीं होती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक छोटा सा पैकेट मिलता है। कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कैमरा हो, चाहे आपका माइक हो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उस पर एक छोटा सा पैकेट मिलता है जो उसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास रहता है, उसी में रहता है यह पैकेट। और कभी कभी यह पैकेट भी मिलता है और कभी कभी उसी अगर पैकेट नहीं रहता है तो उसकी जगह एक छोटा सा एक यहाँ पर एक डिब्बा मिलता है प्लास्टिक का, और इसमें लिक्विड रहता है। तो कभी कभी लिक्विड फॉर्मेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल जाता है और कभी कभी यह टेबलेट फॉर्म में यह मिल जाता है आपका। तो मित्रों, यह है क्या? दरअसल यह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रहता क्यों है? इसे बोलते हैं मित्रों सिलिका जेल, इसे सिलिका जेल बोलते हैं। इसमें भी सिलिका जेल है लेकिन यह आपका ठोस में है, और इसमें भी सिलिका जेल है लेकिन यह आपका लिक्विड फॉर्मेट में है। तो मित्रों, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छोटा सा पैकेट होता है, आखिर होता क्यों है? और बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि डू नॉट इट, मतलब इसे खाइए मत। कुछ लोग अनजान लोग होते हैं जो उनको जानकारी नहीं होती है, आमतौर पर वह इसे फाड़ कर सोचते हैं कुछ ऐसा है, खा भी लेते हैं चेक करने के लिए, समझ नहीं पाते हैं इसका यूज क्या। कुछ लोग सोचते हैं इसका यूज क्या है, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, एक ईयरफोन परचेज करने पर भी अगर आप ब्रांड का ईयरफोन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सिलिका जेल मिल जाएगा। तो देखिए मित्रों, ये है क्या, मैं आपको बता दूं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रहता क्यों है? कभी कभी लिक्विड फॉर्मेट में भी रहता है, कभी कभी यह ठोस फॉर्मेट में इस तरह से पैकेट में रहता है। यह है क्या सिलिका जेल, और यह जरूरी क्यों है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इसका यूज क्या है? तो देखिए मित्रों, जो भी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वह सिलिका जेल को उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखती हैं। दरअसल इसका यूज क्या है कि कोई भी अगर यह नमी से बचाता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अगर उसमें सिलिका जेल रखा हुआ है, सिलिका जेल का पैकेट रखा हुआ है या सिलिका जेल का लिक्विड रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नमी से बचाएगा। इसीलिए कंपनियां सिलिका जेल के पैकेट को या सिलिका जेल के लिक्विड को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखती हैं, और जब आप लोग परचेज करते हैं तो उसी में रहता है। अब आपका मन है, आपकी इच्छा है, अगर आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का चाहते हैं या अच्छा से वर्क करें, इसको यह नमी से बचा रहे, तो और आप इसे डिब्बे में रख रहे हैं, पॉकेट में ही रख रहे हैं, इस्तेमाल करने मतलब पॉकेट में रख रहे हैं, मतलब इस डिब्बे में रख रहे हैं, तो आप सिलिका जेल को साथ साथ आप रख सकते हैं ताकि आपको नमी से बचा रहे आपका डिवाइस। तो इसीलिए नमी से बचाने के लिए सिलिका जेल को रखा जाता है आमतौर पर। नमी से क्या होता है, नमी से कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे ही खाली अपना, जैसे मान लीजिए ये है या डिब्बा है, इसमें डिब्बा में सपोज दैट मोबाइल है, तो इसमें सिलिका जेल अगर नहीं रखा जाएगा तो मान लीजिए आप जानते हैं कि वातावरण में बहुत सारी नमी होती है, बहुत सारे वाष्प होते हैं, तो उसको उस पर शीत भी पड़ सकता है, बहुत सारी नमी, आप जानते हैं कि वातावरण में अगर ठंडी हवा बहती है तो उसमें भी नमी होती है, तो उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो सकता है। लेकिन अगर आपका सिलिका जेल का पैकेट रखा हुआ है या सिलिका जेल का एक लिक्विड रखा हुआ है तो वह नमी से बचाएगा। इसीलिए जो भी कंपनियां होती हैं वह सिलिका जेल के पैकेट को या सिलिका जेल के लिक्विड को रखती हैं। आपका अच्छा है, आप भी अगर आपके पास यह रखा हुआ है तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इस डिब्बे में ही रख रहे हैं तो आप सिलिका जेल के पैकेट को रख सकते हैं, या आपको नमी से बचाएगा उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। तो बस इसका यही यूज है सिलिका जेल का। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें भी यह पूछता रहता है सिलिका जेल की जो नमी से बचा क्यों रखा रहता है, तो इसे आप अच्छे से जान लें। आमतौर पर 99% लोगों को पता नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं यह है क्या, यह पैकेट रहता क्यों है हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, यह लिक्विड फॉर्मेट में भी कभी कभी रहता है, इसका जरूरत क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई यह कोई बंदा बोल रहा था भाई यह आपका इसलिए रहता है कि यह तेल है, आयल है, इसमें आयल का काम देता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यह आयल नहीं है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, न इस टेबलेट का कोई यूज है, और इसे फाड़ने की आवश्यकता नहीं, फाड़ कर भी कुछ रहेगा नहीं, टेबलेट रहेगा, एक गोली रहेगी छोटी छोटी, तो यह सिलिका जेल की ही गोली है जो नमी से बचाती है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इसलिए कंपनियां उसको रखते हैं। तो कुल मिलाकर यह आप लोगों ने जान लिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, धन्यवाद। और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को साझा करिएगा, मैं उसके बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।